कोरोना महामारी से उबर रही दुनिया में अब मंकी पॉक्स संक्रमण का खतरा लगातार गहराता जा रहा है। भारत में भी मंकी पॉक्स के मामले बढ़ते जा रहे हैं। देश में सामने आ रहे मंकी पॉक्स के मामलों ने अब डराना शुरू कर दिया है। बीते दिनों विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंकी पॉक्स को वैश्विक स्वास्थ्य आपात स्थिति घोषित किया है। इस बीच भारत में भी मंकी पॉक्स संक्रमण के 4 मामले सामने आ चुके हैं। संक्रमण की गंभीर होती स्थिति को देखते हुए नीति आयोग के स्वास्थ्य सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने लोगों से अपील की है कि यदि किसी को मंकी पॉक्स के लक्षण है तो वो बिना घबराए आगे आएं और अपना इलाज कराएं। हमारे पास 4 केसेस हैं जो कि कंफर्म्ड हैं और एक और सस्पेक्ट केस है, उसके बारे में जानकारी और जाँच हो रही है, उसकी जानकारी भी उपलब्ध हो जाएगी। तो इस तरह से छोटा नंबर है। सरकार ने सिग्निफिकेंट मेजर्स लिए। सरकार ने सबसे पहले तो एयरपोर्ट्स पे जो फीवर के केसेस हैं उनको उनकी स्क्रीनिंग हो, उनकी उनसे बातचीत हो कि डिटेक्शन हो। दूसरी बात यह है कि हमारे 15 लेबॉरेटरीज़ का नेटवर्क हमने मिलके बना दिया है। तो हमारी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे में है, वो हमारी रेफरेंस लेबॉरेटरी है, और 14 और लैब्स हैं जगह जगह, और उसमें पर्याप्त मात्रा में हमारे पास डायग्नोस्टिक सिस्टम RT-PCR है। अगर आपको ये सिम्टम आ रहे हैं तो आप सामने आइए, आप इलाज करवाइए। अगर बुखार के बाद, गिल्टियों के बाद और ऐसे फुंसियाँ आई हैं तो आप डॉक्टरी सलाह लीजिए, सामने आइए, मदद लीजिए और बिल्कुल ठीक हो जाएंगे आपको ये, लेकिन देख रेख में, और उसमें आपका इलाज किया जाएगा प्रॉपर तरीके से। उसकी गाइडलाइन जैसे बताया हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल है, मंत्रालय के वेबसाइट पे। पहली बात है कि डरना नहीं, कोई भी वजह नहीं है कि देश में इसकी वजह से कोई पैनिक हो। जैसे मैंने बताया, उचित स्टेप्स और ताकत है। कोविड के बाद में हमारा सिस्टम तो और भी सशक्त हो गया है, सब पकड़ में है, डायग्नोसिस में करने में, रिएजेंट्स में कोई कमी नहीं है। जो स्टेप्स बताए गए हैं उनको फॉलो करना, सर्वेलेंस हमने स्ट्रॉन्ग और कर दिया है, लेकिन व्यक्ति की जिम्मेवारी है, नागरिक की जिम्मेवारी है कि इसके जो अगर सिम्टम आप में आ रहे हैं या आपके किसी जानने वाले में आ रहे हैं तो आप छुपाइए। देश में बढ़ते मंकी पॉक्स के मामले के बीच बिहार में भी इस वायरस का पहला संदिग्ध मरीज मिला है। बताया जा रहा है कि मरीज पटना सिटी के गुढ़ाडा इलाके की रहने वाली एक महिला है। स्वास्थ्य विभाग ने सैंपल को जांच के लिए भेज दिया है। महिला में मंकी पॉक्स के सभी लक्षण मिले हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग इस केस को संदिग्ध मान रहा है। महिला की ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में अब तक कुछ पता नहीं चल पाया है। मंकी पॉक्स को लेके बिहार में आज ही हमने हाई लेवल मीटिंग किया है और अपने मुख्यालय स्तर के अपर मुख्य सचिव सहित सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ राज्य के सभी सिविल सर्जन और सभी मेडिकल कॉलेज के सुपरिटेंडेंट के साथ मीटिंग की है, जिसमें जो मंकी पॉक्स के बारे में WHO से जानकारियां मिली हैं, भारत सरकार से जानकारियां मिली हैं, उसको हम सब लोगों ने शेयर किया है। क्या लक्षण हैं, किस तरीके से कोई मंकी पॉक्स का संभावित मरीज हो सकता है, उसके शरीर में क्या क्या लक्षण दिखाई पड़ सकते हैं, इसकी जानकारी, फिर लक्षण दिखाई यदि पड़ता है तो उसका जांच करना, उसका सैंपल कलेक्ट करना, उसका स्वैब लेना, ब्लड टेस्ट लेना, यूरिन टेस्ट के लिए यूरिन लेना, ये सारे सुझाव और जानकारियों को शेयर किया गया है। साथ ही मैंने सभी सिविल सर्जन को ये निर्देश दिया है कि प्रखंड स्तर के भी चिकित्सा पदाधिकारियों के साथ वो जिला में बैठक करके इस बात को प्रचारित प्रसारित करें कि सुदूर क्षेत्रों में भी यदि कहीं से भी किसी चिकित्सक को इस प्रकार के लक्षण की जानकारी मिलती है तो उसकी जांच की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए और हम सतर्क रहें। मुख्य रूप से सतर्कता रखने की ज़रूरत है और जो भी गाइडलाइंस हैं उसको फॉलो करना है। वहीं दूसरी ओर सरकार ने मंकी पॉक्स के संक्रमण को लेकर जांच की व्यवस्था करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। केंद्र की ओर से जारी की गई गाइडलाइंस को सभी चिकित्सा परिवारों को भेजा गया है। सभी चिकित्सकों से कहा गया है कि वो आशा और ANM को मंकी पॉक्स के लक्षणों के बारे में ठीक से बताएं।